मम्मा मम्मा प्लीज मुझे 10 रुपए दे दे। कुकू बेटा, जब देखो आप पैसे मांगते रहते हो, पहले बताओ आप इन पैसों से क्या करोगे। मम्मा, हम सब दोस्त मिलकर नई बॉल लेंगे। मम्मा, हम सब खेला करेंगे उस बॉल से। ऐसे रो रो कर कुकू अपनी मम्मा से 10 रुपए ले ही लेता है। छोटा मिठू भी अपनी मम्मा से अपने हिस्से के पैसे ले लेता है। दोपहर के बाद चिड़िया का बेटा कुकू, कीकी, छोटा मिठू और बुलबुला सब मिलकर चाचा छमछम की दुकान से अपना फुटबॉल ले लेते हैं। वो सब बहुत खुश थे। अब हम सब दोस्त खुले मैदान में जाकर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं भी देखता हूँ तुम सब कैसे खेलते हो। मैं तुम्हें इस नई बॉल से खेलने नहीं दूंगा। पेड़ के ऊपर बैठा हुआ जग्गू कौवा उन्हें देखकर ऐसे सोचता है। सारे दोस्त मैदान में जाकर खेलने लगते हैं। छोटा मिठू फुटबॉल को किक लगाता है। जैसे ही बॉल थोड़ा दूर जाती है, पीछे से जग्गू कौवा आकर उनका फुटबॉल उठा लेता है। ये मेरा है, ये फुटबॉल अब मेरा है। जग्गू दोस्त, तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। ऐसा ना करो, हमें खेलने दो। जग्गू, हम सब ने पैसे जमा करके ये फुटबॉल लिया है, मगर तुम बिना पैसों के ही हमारे साथ खेल लो। मैं और तुम जैसे कमजोर पक्षियों के साथ खेलो? मेरी मम्मा कहती है तुम जैसे पक्षियों के साथ कौवे नहीं खेलते। जग्गू कौवा बिगड़ा हुआ कौवा था। वो किसी की भी बात नहीं मानता और उनके बॉल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू, अब जल्दी से इसे छुपा दो, वो सब अपनी अपनी माँ को लेकर आ जाएंगे। मम्मा, मैं नहीं दूंगा, जो भी आ जाए मैं ये बॉल अब वापस नहीं दूंगा। मैं कौन सा तुझे वापस करने का कह रही हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है तो सामने चाचा कबूतर सब बच्चों के साथ खड़ा था। हाँ कबूतर, बताओ क्या बच्चों की बारात लेकर मेरे दरवाजे पर आ गए हो। तेरा बेटा इन बच्चों का फुटबॉल उठा लाया है। हाय, मैं मर गई, इतना बड़ा झूठ। जग्गू बेटा बाहर आओ। जग्गू भी बाहर आ जाता है। हाँ मम्मा, क्या बात है, मुझे सोने भी नहीं देता कोई। देखा, मेरा जग्गू तो सुबह से घर में सोया हुआ है। झूठा, आंटी जग्गू झूठ बोल रहा है, आप किसी से भी पूछ ले, जग्गू ही हमारा फुटबॉल उठाकर घर लेकर आया है। चुप कर जा, और चिड़िया के छोटे बच्चे, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे। चल भाग यहाँ से, गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या तू मेरे जग्गू के पीछे पड़ा हुआ है। बिगाड़ लो इसे, किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा तुझे। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू बेटा, अब दूसरे जंगल जाकर खेलना इस बॉल से तुम। हाँ मम्मा, मैं कल नानों वाले जंगल जाकर खेलूंगा। कुकू बेटा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मम्मा, वो गंदा जग्गू हमारा फुटबॉल उठा कर भाग गया है। तो घर जाना था उसकी माँ को बताने। हम सब कबूतर चाचा को लेकर गए थे, मगर उसने हमारी बॉल वापस नहीं की। दूसरे दिन जग्गू कौवा वो फुटबॉल लेकर अपनी नानों के जंगल चला जाता है। वो वहाँ जाकर फुटबॉल से खेलने लगता है। वो कभी फुटबॉल को इधर मारता तो कभी उधर मारता। पेड़ पर बैठा हुआ चील का बेटा फुटबॉल देखकर खुश हो जाता है। ये फुटबॉल मेरे पास होना चाहिए, मैं इस छोटे कौवे से ये फुटबॉल छीन लेता हूँ। ऐसा सोचकर चीलू चील का बेटा जग्गू कौवे से जाकर फुटबॉल छीन लेता है। ये मुझे दो। नहीं, ये फुटबॉल मेरा है। दोनों की आपस में लड़ाई होती है। जग्गू पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर चीलू को दे मारता है। चीलू के सर से खून बहने लगता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ चीलू अपने घर जाता है। चीलू बेटा, तुम्हारे तो सर से खून बह रहा है, किसी ने मारा है क्या। मम्मा, उस छोटे कौवे ने मेरे सर पर पत्थर मारा है। कहाँ है वो कमबख्त, कहाँ है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। गुस्से में चील अपने घर से उड़ती है और जाकर जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे। चील जग्गू कौवे को मारना शुरू कर देती है और मार मार कर जग्गू का पंख तोड़ देती है। मम्मा, मेरा पंख टूट गया है। आप मरेगा, तू यहाँ ही मरेगा। चील
चली जाती है। कुकू और छोटा मिट्टू उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। जग्गू कौवे को गिरा हुआ देखकर दोनों दोस्त वहाँ आते हैं। जग्गू जग्गू क्या हुआ, तुम्हारे पंख पर चोट कैसे लगी है? मुझे चील ने मारा है। कुकू जाकर मेरी मम्मा को बता दो, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। फिर कुकू और छोटा मिट्ठू जल्दी से गोरी कौवे के पास जाते हैं। आंटी आंटी, जग्गू को चील ने मारा है, वो वहाँ बेरी के पेड़ के पास गिरा हुआ है। हाय, मैं मर गई, मेरा जग्गू। कुकू कुकू बेटा, जिंदा तो है मेरा जग्गू? आंटी आप जल्दी जाएं। गोरी कौवे जल्दी से उड़ती है और जग्गू को उठाकर अपने घर ले आती है। मम्मा, मैं समझा था कि जैसे कुकू की मम्मा हमसे डरती है, ऐसे चीलू की मम्मा भी हमसे डर जाएगी। जग्गू बेटा, वो तो अच्छा हुआ जो कुकू और मिठू ने आकर मुझे बता दिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। ऐसे जग्गू कौवे को सबक मिलता है और फिर वो दोबारा किसी भी पक्षी के साथ लड़ाई नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज पूनम की रात आने वाली थी। सभी छोटे पक्षी आज रात अपने मम्मा पापा को सरप्राइज देना चाहते थे। वो सब नदी के पास इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, आज पूनम की रात है, आज हम कुछ ऐसा खास बनाएंगे कि मम्मा पापा खुश हो जाएं। हम चावल बना सकते हैं या फिर खिचड़ी। हम खिचड़ी बनाएंगे। मैं लाऊंगा मीठे मीठे अमरूद। और मैं लाऊंगा चावल का दाना। और मैं खिचड़ी बनाऊंगी। मैं दाल का दाना लाऊंगा। और ऐसे हम सब मिलकर बनाएंगे अपने मम्मा और पापा के लिए खिचड़ी। ऐसे वो सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। गुड़िया सीधी अपनी नानों के घर जाती है, जो जंगल की दूसरी ओर रहती थी। नानो नानो, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? गुड़िया बेटी, आप खिचड़ी बनाओगी क्या? हाँ नानो, हम सब दोस्त मिलकर आज पूनम की रात को अपने अपने मम्मा और पापा को सरप्राइज देंगे। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया को खिचड़ी की रेसिपी बताती है। कुकू उड़ता हुआ मैदान में जाता है, मगर मैदान में तो दाल का दाना नहीं था। यहाँ तो दाल का दाना नहीं है, मैं मम्मा से पूछता हूँ कि दाल का दाना कहाँ से मिलेगा। कुकू अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, दाल का दाना कहाँ से मिलेगा? कुकू बेटा, भूख लगी है तो ये चने का दाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे दाल का दाना चाहिए, प्लीज मुझे बता दे दाल का दाना कहाँ से मिलेगा। कुकू बेटा, दाल का दाना किसान के खेत से मिलेगा, इंसानों की बस्ती के पास। कुकू अपनी मम्मा की बात सुनकर भाग जाता है। किसान ने अपनी फसल काट ली थी और कुकू को खेत में ढेर सारे दाल के दाने मिल जाते हैं। कुकू दाल के दाने एक थैली में डालता है। जग्गू कौवा भी उड़ता हुआ कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। चाचा चाचा कबूतर, मुझे चावल का दाना दे दे। जग्गू बेटा, मेरे पास तो चावल का दाना नहीं है। अगर आपको चावल का दाना लेना है तो आपको पहाड़ों पर झरने के पास जाना होगा, वहाँ से आपको चावल का दाना फ्री में मिल जाएगा। जग्गू झरने की तरफ उड़ता है। छोटा तोता जानता था कि उसे मीठा अमरूद कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो सीधा अमरूदों के बाग में जाता है। ये अमरूद तो कच्चा है, मुझे खिचड़ी के लिए पका हुआ अमरूद ढूंढना होगा। छोटा मिट्टू एक पेड़ से दूसरे तक जाता है और फिर उसे एक पका हुआ अमरूद मिल जाता है। छोटा बुलबुला नमक लेने नमक के पहाड़ पर जाता है, वहाँ उसे नमक बहुत आसानी से मिल जाता है। और कबूतर का बेटा कीकी शक्कर लेने चाचा छमछम के पास जाता है। अंकल, मुझे थोड़ी शक्कर दे। बेटा, अगर तुम मुझे गन्ना ला कर दो तो फिर मैं तुम्हें शक्कर बना कर दे सकता हूँ। मैं अभी गन्ना लेकर आता हूँ। फिर कीकी उड़ता हुआ घने जंगल में बेरी के पेड़ के पास जाता है, जहाँ उसे गन्ने का पौधा दिख जाता है। थोड़ी ही देर में सारा काम हो जाता है। दोस्तों, क्या सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं? सब तैयारी मुकम्मल है। गुड़िया, अब देखते हैं तुम खिचड़ी कैसी बनाती हो। फिर गुड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। मैं खिचड़ी बनाती हूँ और आप जाकर नदी से पानी ले आए, और आप सब अपने अपने मम्मा पापा को भी बुला लें। कुकू भाई, आप भी मम्मा को बुला लें। फिर वो सब चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे साथ आए, मेरे साथ नदी के पास आए। कुकू बेटा, अभी तो मुझे दाना भी खाना है।
नहीं, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। आज आप दाना नहीं खाएंगी। मम्मा पापा, क्या आपने अभी तक दाना तो नहीं खाया? नहीं जग्गू बेटा, क्या तुम हमें पूनम की रात में सरप्राइज देने वाले हो? हाँ मम्मा पापा, चले आप मेरे साथ नदी पर चले। गोरी कव्वी को तो दूर से ही खिचड़ी की खुशबू आती है। कालू जल्दी चलो, जल्दी चलो, लगता है बच्चों ने आज हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है। सब पहुँच जाते हैं, सब अपने अपने मम्मा पापा को लेकर पहुँच जाते हैं। गुड़िया बेटी, तू बड़ी सियारी बनी बैठी है, ये खिचड़ी बनाना तूने कब से सीख ली? आज मैं अपनी नानों से सीख कर आई हूँ खिचड़ी बनाना। गुड़िया की बात सुनकर सारे बड़े पक्षी हंसने लगते हैं। फिर गुड़िया सबको खिचड़ी प्लेटों में डाल डाल कर देती है। आसमान पर चांद पूरी तरह रोशन था और सारे पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खिचड़ी खा रहे थे। ये समय उनके लिए यादगार था क्योंकि आज तो बच्चों ने अपने मम्मा पापा को बड़ा सरप्राइज दिया था। फिर वह सब मजे मजे से फलों वाली खिचड़ी खाकर खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।